यहाँ पे आपको थ्रिल एडवेंचर। ये है जी सेकंड झरना, आंखें भर आई है उस पे चलाने में मजा आता है जैसी, तो वो रोड खत्म हो जाती है। और अब चले पोखरी से फिर चंदनगर। बैठा बैठा घोड़ा मा, तुम भी नहीं बैठे अभी? मैं बोलूँ तुम बैठे हूँ। तो जी करते हैं जी केदार घाटी से पतन वापसी। ये लाइन जो नज़र आ रही है ना ऊपर, ये हेली में बैठने वालों की आ रही है, इनकी बारी लगी हुई है। अब इनका नंबर आएगा तो जाके बैठेंगे भैया, तब जाके बाबा जी के दर्शन होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो। ये बैठे हैं चौपर ही ऊपर, क्या नज़ारे आ रहे हैं भैया, पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा है, लेकिन झरना बहुत लंबा झरना गिर रहा है। पीछे वाले भाई लोग तो आए नहीं, ये झरना, ये आ गया झरना दोबारा। भाई अभी झरने के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि अब हो गया मौसम पैक, शाम का मौसम हो गया, तो अब साइड से निकल जाते हैं, इसी में भलाई है। और बहुत सारे पैच है गुप्त काशी से आगे भी, ऐसे जैसे भी चल रहे हैं ना, तो ये जब धूल मिट्टी आ रही है ना आँखों में, उस अच्छा लग रहा है कि यही ठीक है, कम से कम इसमें धूल मिट्टी तो नहीं गिर रही है, उड़ रही है, गिर रही क्या। बाकी एक झरना इधर भी है, ये साफ सुंदर। तो NH 107 एक्चुअली, ये मैं 07 कह रहा था, 07 बद्रीनाथ वाला है। तो NH 107 का हाल ऐसा है कि यहाँ पे आपको थ्रिल एडवेंचर ऑफ रोडिंग, बाकी बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए मिल सकती है जब आप रोड पे बाइक राइड कर रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो। अभी ऐसा लग रहा है ऑफ रोडिंग हो रही है, फिर पानी वाला कहीं पे स्पॉट आएगा तो फिर वहाँ पे एडवेंचर होगा। तो ये भाई एडवेंचर कर रहे हैं हमारे साथ। ये है जी सेकंड झरना, और यात्रियों की भीड़ देखो। क्या कहना है, तुम भी नहीं आना था झरना पर? ये आ गया जी स्पॉट। तो ये रही भाई की गाड़ी, ये इससे गए थे हम कभी देवरिया ताल का टूर किया था। आंखें भर आई हैं इनकी धूल से, आंसू से नहीं, धूल से आंखें भर आई हैं। टूर में चलेंगे कहीं? हाँ फुल, हाँ चलो ठीक है फिर, ओके जी बाय। चलो सर जी अभी रिफिल करवाते हैं इसमें इराक का पानी। यार यहाँ भीड़ तो लगी हुई है यार, पता नहीं हमारा नंबर कितने इसमें आएगा, कोशिश करते हैं जल्दी आ जाए। वो चलेगी जी अपने साथ की गाड़ी ऊपर। तो भैया गए घर, अपन जाएंगे अपने घर, अपने घर तो आज पहुंच नहीं पाएंगे, आज जाएंगे हम चंदनगर। ये आ गया जी इधर का बिग बाज़ार, गुप्त काशी का बिग बाज़ार। तो बिग बाज़ार में देखते हैं क्या क्या है। अंधेरा नज़र आ रहा भैया, चश्मे उतारते हैं सबसे पहले। बहुत रस है भैया गुप्त काशी के बिग बाज़ार में। वो रहा ऊखी मठ सामने, ओंकारेश्वर मंदिर, शीतकालीन डोली स्थल, मध्य महेश्वर, द्वितीय केदार, दूध पीने के लिए कप, ये है कप। तो भैया इधर ये है हालात बिग बाज़ार के। करना भाई बिलिंग का, चलो थैंक यू जी। चलो भैया अब ये था लास्ट, अब चलेंगे थोड़ा नए रूट से और नॉन स्टॉप चलेंगे अब चंद्रानगर के बाद, वहाँ से थोड़ा सा रूम पर रह के फिर पोखरी चलेंगे मेले में, और अब चलेंगे सीधे दिल्ली। 425 किलोमीटर दिखा रहा, हरिद्वार 203 किलोमीटर। तो आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस रूट से, वैसे वो ये जा रहा है रुद्रप्रयाग अपना, और आज हम नए रूट से जाएंगे इधर से सीधा। ये चला गया जी अब नए रूट पे, जहाँ जाम लग रहा था ना वो रूट छोड़ दिया हमने, और ये सीधे नीचे निकलेगा NH 107 पे। ये हालत है यार इस रूट की, ये बंद गाड़ी में ठीक है, बाइक में तो हिसाब किताब ऐसे ही है, डामाडोल देखो ऑफ रोड। वह आए थे इधर नीचे से, वो झील है उसके साइड से जो ये रोड नज़र आ रही है, और जाम भी नहीं नज़र आ रहा है, जाम के वो सामने लगा जाम कुंड से पीछे,
तो उसी जाम से बचने के लिए इस रूट पे आए हैं। लंबा है बोला रूट, पर जाम से बचना है तो चलो लंबा गया छोटा गया। तो इधर से झील का जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई। रोड मिल गया मक्खन, लेकिन लंबा बहुत है यार। लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि उधर जाके फिर इधर जाके यहाँ आना है, और इसके फिर पीछे पता नहीं कहाँ जाना है। आने वाले टाइम में इसी रोड से आना होगा। तो यार कभी वैसी रोड आ जाती है और कभी ऐसी रोड आ जाती है, समझ में नहीं आती है। उस पर चलाने में मज़ा आता है, आता है जैसी तो वो रोड ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही इस पर चलाने में मज़ा आता है तो ये रोड ख़त्म हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा यार ऐसा क्यों कर रखा गवर्नमेंट ने। या तो ऐसे ही रखती इसमें ही आनंद लेते हम, या तो वैसे ही रखती। अरे यार पता नहीं एनएच वालों ने कर क्या रखा, एनएच है या फिर पीडब्ल्यूडी जो भी है, जो भी डिपार्टमेंट होगा इसका। तो फिर से जी ये आ गया धांसू वाला कार्यक्रम। ऐसे ही है, थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा वैसे ही है, थोड़ा ऐसे ही है, फिर थोड़ा वैसे ही है। तो यही चल रहा है, चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी 80 पहुंच जाती स्पीड तो कभी 8 पहुंच जाती है, 0 आगे पीछे हो जाता बस। जबरदस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से। नीचे बह रही जी अलकनंदा, और ये लगा हुआ जी जाम नीचे, इधर कहीं नज़र आ रहा हो तो। बहुत लंबा जाम है कुंड तक, इसी जाम की वजह से आए हैं। 10 किलोमीटर चल गए हैं, और अभी इधर से जो रोड नज़र आ रहा है इधर से चलना है, और नीचे जहाँ वो मकान है ना NH 107 वो है, उस पर पहुँचना है इधर से इस रूट से। तो जी सीधा गया घनसाली मयाली बरमाड़ी, गया नीचे जी इधर लेफ्ट हैंड को, तो अपन को बरमाड़ी ही चलना है। मयाली घनसाली किसी और दिन चलेंगे। अभी ऐसे लग रहा है कि रोड पे नहीं चल रहा है, किसी गधेरे में चल रही गाड़ी। ये देखो गधेरा बोले तो नाला, ये भाई पता नहीं ऊपर कैसे आती होगी, नीचे तो जा ही रही है, गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, लेकिन ऊपर आते हुए पता नहीं कैसे आती होगी यार गाड़ियाँ ऊपर, इतना बुरा हाल है रोड का। तो रोड अभी भी इतनी दूर नज़र आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यार शाम तक पहुँच जाएंगे उस रोड पर। उस रोड पर बोले तो NH 107 पे। अब जाके आया है भैया हाईवे पे, ऐसे लग रहा है 17-18 किलोमीटर लंबा मार दिया राउंड हमने। 6:41 पर पहुंचे चन्नगर। अब चलते हैं पोखरी पे। पोखरी मेले चलेगा तू अभी? हाँ 10:07 और पहुंच गए हैं जी। वो 10:07 नहीं, 7:10 ये पहुंच गए हैं जी पोखरी। तो जी भोजन लेते हैं हम रात्रि भोजन। अच्छा भ्राता सी 7:48 और मोटी रोटी चाहिए तो और नहीं चाहिए 10 रोटी के बाद। 9:33 और अब चले पोखरी से फिर चंदनगर। मेले का तो लग नहीं रहा कुछ सीन जी, पता नहीं सुनसान पड़ा हुआ मार्केट। पोखरी